विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एसआईटी ने अब तक 6 आरोपियों को लिया हिरासत में। हाईकोर्ट के सिटिंग जज करेंगे मामले की जांच, सीएम भगवंत मान का ऐलान। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई से होगी पूछताछ, तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर। मूसेवाला के पिता ने पंजाब के सीएम को लिखा खत, उठाई एनआईए और सीबीआई से जांच की मांग। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ किसान नेता का विरोध, एक कार्यक्रम के दौरान राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही, टिकैत बोले सरकार की साजिश। सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड पर कांग्रेस में नाराजगी, मूसेवाला की सुरक्षा हटाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, तो पंजाब में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। जनता को करना पड़ेगा परेशानी का सामना, आज से कई शहरों में हो सकती है पेट्रोल डीजल की किल्लत, पेट्रोलियम डीलर्स करेंगे हड़ताल। मौसम ने बदला मिजाज, आज भी दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश, पहाड़ों पर चलेंगी ठंडी हवाएं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना, फारूक अब्दुल्ला बोले जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने के लिए लोगों के दिल जीतना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम में की शिरकत, पीएम ने बताया केयर्स फंड से बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलेगा स्टाइपेंड। ब्रिटिश अधिकारियों का दावा, पुतिन की तबीयत है काफी खराब, रूस की सत्ता पर काबिज है हमशक्ल राष्ट्रपति। पाकिस्तान में बिगड़े आर्थिक हालात, 900 रुपए में बिक रहा है पनीर, 144 रुपए लीटर हुआ दूध। आमिर की लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर हुआ रिलीज, 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म, फिल्म को भारत के 100 से ज्यादा स्थानों पर किया गया है शूट।